श्री वाहे गुरु साहेब जियो बिलावल महला पहला आपे शब्द आपे निशान आपे सुरता आपे जान आपे कर कर वेखै तान तू दाता नाम परवान आपे शब्द आपे निशान आपे सुरता आपे जान आपे कर कर वेखै तान तू दाता नाम परवान ऐसा नाम निरंजन देओ हों जाचक तू अलख अपेओ रहाओ माया मो तरकटी नार पुंडी कामन कामन यार राज रूप झूठा दिन चार नाम मिले चानन अंधियार चख छोड़ी सहसा नहीं कोए बाप दिसे विजात ना होए एक को नहीं पोकोए करता करे करावे सोए शब्द मुए मन मन ते मारिया ठाक रहे मन साचे तारिया अवर न सूजे गुर को वारिया नानक नाम रते निस्तारिया शब्द मुए मन मन ते मारिया ठाक रहे मन साचे तारिया अवर न सूजे गुर को वारिया नानक नाम रते निस्तारिया वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह जुग हो जुग अटल चवर शतर तख्त दे मालक बाणी के बोहित मेहरां दे साईं बख्श शान दे पंडार वालिये कुल आलम राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महा तन 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 सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी महाराज दी पावन पवित्र मुकद्दस गोद अंदर सुभायमान होए बैठे गुरु सवारे सत्संगी जनों वडभागे हां गुरदेव ने यह सतसंग दियां घड़ियां बख्शिश कीतियां ने बहुत ही अदब सत्कार सहित
भाई सुरजीत सिंह मजबूर तिना दे रागी जथे पासों मुकम्मल आसा की वार दे कीर्तन दा आनंद माणिया है। अज अमृत वेले साहबान ने तख्तों के उत्ते प्रकाशमान हो के इस ब्रह्मांड के उत्ते जो रब्बी कृपा बख्शिश कीती है, धन सतगुरु श्री गुरु नानक साहब पातशाह जी महाराज ने बिलावल राग दे विच ए रब्बी हुकम कृपा बख्शिश कीता है। इस पावन शब्द का रहाओ वाला बंद है, धन सतगुरु श्री गुरु नानक साहब पातशाह जी महाराज मेरां दे साईं तरुठ के कृपा बख्शिश दे घर विच आ के जड़ी इस मन नूं तरवास दे रहे ने, ऐसा नाम निरंजन देओ हौं जाचक तूं अलख अपेओ। ऐसा नाम निरंजन देओ दे अखरी अर्थ ने ओ अकाल पुरख परिपूर्ण परमेश्वर आप माया दी कालख तो निर्लेप है, निरंजन है। हजूर ने अगे बख्शिश की कहन लगे ओदा नाम भी माया दे प्रभाव तो पासे है। जदो आपा धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी महाराज दे विच हजूर दे ए बोल पढ़ते हाँ अपीने आप साजेओ, ओ मालक सहभंग है अपने आप नू बनान वाला है, ओ करता पुरख है, ओ निरभौ है, ओ निरवैर है, तां बड़ा स्पष्ट भाव है। पावन पवित्र बाणी विच भी मेरे हजूर ने एक कृपा बख्शिश कीती जदों मालक आखदे ने नानक भंडै बाहरा एको सच्चा सोए। जे इस सिस्टम का प्रभाव किसी उत्ते नहीं है ते ओ केवल ते केवल अकाल पुरख परिपूर्ण परमेश्वर है, उस तो इलावा और कोई दूजा नहीं। ते गुरु रूप साध संगत जदों अमृत वेले सिख उठ के धन सतगुरु श्री गुरु नानक साहब पातशाह जी महाराज दे चरणा दे नाल जुड़दा है तां हजूर सच्चे पातशाह जी महाराज जिथे सुनिया दियां चार पौड़ियां लंघ के मन्ने दे पाठ की प्रारंभता करदे ने हजूर ने बख्शिश कीती कहन लगे सिखा एक गल चेते रखी, जड़े भी बंदे ने गुरु के बचना नू इना कन्ना दे नाल सुन के मन करके मन लिया है। बड़ा वड्डा भेद है इस गल दे विच सुन लेना समझ लेना ते सारा कुछ करन तो बाद फिर एक ख्याल आना कि मेरा मन नहीं मानदा, मेरा मन नहीं समझदा, जां मेरा मन इस गल दे नाल सहमत नहीं हैगा। धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी महाराज की पावन पवित्र बाणी विच मेरे हजूर ने यह स्पष्ट किया कि सिखा चेते रखी मनमुख की परिभाषा डेफिनेशन की है, देंदे थामो, थामो दे अखरी अर्थे दे नालों, देन वाले दे नालों, ये मनुख की सोचता है, दिता चंगा जो कुछ मैनू मिले है वह डाढ़ा ते चंगा हो गया। हजूर बख्शिश करदे आ कहन लगे मन मुख ऐसा जानिए, ये मन मुख बंदे दी परिभाषा है। भाव इस पंक्ति दा की है किन्ना चंगा हुंदा जो कुछ सानू संसार दे विच वरतों विहार दे वास्ते मिलिया है, ये हजूर ने गुरु ग्रंथ साहब दे विच कृपा बख्शिश कीती है। गुण निधान भगतन को बरतन बिरला पावै कोई, जे किसी की झोली विच मालक त्रुट के दैवी गुण पा देंदा है ते भाई वह दैवी गुणा दे सदका तेरे जीवन का पार उतारा हो जाएगा,
वापस आ जाइए जड़ी मैं बेनती कर रहा सा। हजूर ने बख्शिश की कहन लगे मनुख न जो कुछ मिलिया है उदे नाल चित जोड़ के जड़ा देन वाला है उनू विसार बहिंदा है उनू भुला बहिंदा है ते उस नू भुलण दे सदका नतीजा की निकलदा है गुरु दे बचना नू समझन ते सिखन दी थां दे उते गुरु के विखाए राह दे उते तुरन दी थां दे थले कहन लगे मनुख अपने मन दी मौज दे विच तुरदा है ते हजूर बख्शिश करदियां कहन लगे इस दरबार दे विच मन दे प्रभाव थले जिंदगी जिउण वाला मनुख मन मुख अखवाउंदा है ते मन मुख दी परिभाषा की है देंदे थावों देन वाले दे नालों दिता चंगा जो कुछ बंदे नू मिलिया है ओ उनू चंगा डाढा जानदा है मन मुख ऐसा जानी है। हजूर सचे पातशाह जी महाराज जपजी साहब दी अठवीं पौड़ी दे विच ए किरपा बख्शिश करदे ने मन्ने की गत कही ना जाए। हजूर बख्शिश करदियां कहन लगे सिखा अपनी जिंदगी दे विच ए चेते रखी जे गुरु के सुने हुए बचना नू तू अपने जीवन दे विच मन लिया आपां लफ़ज़ निरंजन दे वल आउणा थोड़ी जी एकाग्रता बख्शिया जे जड़ी मैं बेनती आप जीआं दे चरणां विच करन लगा। धन सतगुरु श्री गुरु नानक साहब पातशाह जी महाराज जिन्हां रब दे प्यारियां ने गुरु के बचना नू सुन के मन लिया है जिथे हजूर ने पहलियां पांच पौड़ियां दे विच जो संसार दा विधि विधान सीगा जिन्हां तरीकियां दे नाल दुनिया रब दे विच अभेद होना चाहुंदी सी मेरे हजूर ने मखलूकात नू उहदे विचों कढ के ए सवाल दुनिया दे सन्मुख रखिया कि भाई जदों कल्ले होवो तुहाडा मन करे अपने आप नाल गल करन दा ते बस इक्को सवाल करिया जे जड़े सवाल गुरु ग्रंथ साहब दे विच वार वार मेरे दाते ने अपने आप नू कीते ने ओ सवाल की है ए शरीरा मेरिया इस जग मैं आए कह क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीरा दो वरी अपने आप नू संबोधन कीता। आसा दी वार विच गुरु नानक साहब पातशाह जी महाराज सीधा सीधा सवाल करते ने सिखा तू मैनू ए दस विच दुनिया काहे आया केड़े काम वास्ते तू इस संसार दे विच आया ते इत्थे हजूर ने केड़ा सवाल रखिया केम सचियारा होई है तेरे अंदर सचियारपन किवें आ सकता है तू सच दे नाल किवें जुड़ सकता है ते जड़ी अंदर गोडे गोडे विकारां दी मैल लगी होई है हजूर सच्चे पातशाह जी महाराज कृपा बख्शिश कर दिया कहन लगे सिखा बस मैनू ए समझा ते ए दस ए कूड़ दी कंध विचों किवें टुटेगी। दुनिया दे विच जिन्ने अजूबे ने ना उन्हां दे विचों एक अजूबा है द ग्रेट वाल ऑफ चाइना चाइना दी दीवार उन्हों बड़ा उच्चा लम्मा ते डाढ़ा मनिया जाता है। बहुत सारे लोग ने जिन्हां ने उस नूं वेख्या है पर एक कंध मनुख ते परम पिता परमेशर दे विच है। गुरु ग्रंथ साहब ने जिहदा कद भी दस्या काठ भी दस्या लंबाई भी दसी है चौड़ाई भी दसी है ते हैरानगी पता किहड़ी गल दी है हैरानगी इस गल दी है इन्नी सूक्ष्म होने दे बावजूद भी बंदा उहदे तो पार नहीं टप पाउंदा अगे नहीं लंघ पाउंदा विडंबना इस गल दी है। हजूर ने गुरु ग्रंथ साहब दे विच कृपा बख्शिश कीती पंभीरी के पात पार दो कहन लगे जिवें बिल्कुल तितली दा खंभ है उस आकार दा पर्दा है आत्मा ते परम आत्मा दे विच। आप जीआं दी एकाग्रता वेखते हां जिथे मैनूं गुरु ग्रंथ साहब दा एक शब्द ध्यान दे विच आया उत्थे ही फिलासफी दा एक पक्ष जड़ा बाबा कबीर जी संसार दे नाल सांझा करदे ने ते बड़े कमाल दी बख्शिश कीती भगत जी ने दुनिया नूं संबोधन हो के कहन लगे संसार दे लोगो मनुखी आत्मा
ते परम पिता परमेश्वर दे विच इन्ना कु फर्क है जिन्ना समुंदर ते पानी दी एक बूंद दे विच, जिन्ना सूरज ते उस दियां किरणां उस दी रोशनी दे विच, जिन्ना चंद्रमा ते उस दे प्रकाश दे विच। जग्यासु ने ये तिने बोल सुने ते हैरानी कुण कहन लगा, बाबा कबीर जी एदे विच नुकता की है? वो साड़ी पकड़ दे विच नहीं आया। कहन लगे, बस इस गल नू समझन दी लोड़ है, समुंदर दा असला वी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर है। बिल्कुल इन बिन जिदे ढंग नाल जिस तजर्बे दे नाल पानी दी एक बूंद बनी है, उसे तो समुंदर बनया। पर जड़ा अहम नुकता समझन वाला है वो ये है, बाबा कबीर जी कहन लगे, दुनिया दे लोगो बस इनी गल ध्यान दे विच रखिया, जे पानी दी एक बूंद दी होंद दा कारण केवल ते केवल समुंदर है। सूरज दियां किरणां दा, सूरज दे प्रकाश दा कारण केवल ते केवल सूरज है। चंद्रमा दी रोशनी दा कारण केवल चंद्रमा है। तेरा वजूद इस संसार दे विच, तेरी आत्मा दा असला मूल रूप दे विच परम पिता परमेश्वर है। जिस दिन मनुख इस गुझे भेद नू जान लैंदा है, बाबा कबीर जी दे बोल ने, कहो कबीर ए राम की अंस, जस कागद पर मिटै ना मनस। कहन लगे, ए राम दी अकाल पुरख परिपूर्ण परमेश्वर दी अंश वंश है, जिन्हों आपां पढ़दे आं, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, मन हर जी तेरे नाल है। गुरमति रंग माण, वापस आ जाइए गुरु नानक साहब दी पावन पवित्र बाणी दे उत्ते, जिदे विच हजूर ने कर्म कांडा तो उपर उठ के ए सवाल दुनिया दे सन्मुख रखिया ते अगली पौड़ी दे विच स्पष्ट कर दिता कि संसार दा कोई भी मनुख रब्बी रजा तो बारा नहीं हैगा। ते इस तरह एक एक पौड़ी चढ़दे आ, साचा साहिब साच नाए, भाख्या भाओ अपार, आखें मंगें दे दे, दात करे दातार। हजूर बख्शिश कर दिया, कहन लगे, थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। ओदे तो बाद लगातार चार पौड़ियां धन सतगुरु श्री गुरु नानक साहब ने, जिन्हां ने गुरु के बचना नू कन करके प्लस मन करके सरवण कर लिया है। सुखमणि साहब दा पाठ सारी संगत बहुत पढ़ती है। सुनना की है, सुनना किवें है? इत्थे गुरु अर्जन साहब ने बड़ा वड्डा भेद संसार दे सन्मुख उजागर कीता है। फिर आपां मन्ने वाले पासे तुरना है। चौबीवीं अष्टपदी है, उहदे विच पदा गुरु अर्जन साहब ने बख्शिश कीता। कहन लगे, गुरसिखा तू अपनी जिंदगी दे विच गुरु के इन्हां बचना नू जे धारण कर लवें ते इस ढंग नाल धारण कर लवें। पाठ की प्रारंभता होंदी है, खेम शांत रिद नवनिध, बुद्ध ज्ञान सर्ब तैं सिद्ध, विद्या तप योग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान, चार पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक, चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मद सगल ते उदास, सुंदर चतुर तत् का बेता, समदर्शी एक दृष्टेता, ए फल तिस जन कै मुख भणे। ये जिन्नियां मैं पंक्तियां पढ़ के आया, वो एक एक नियामत एक एक कृपा गुरु अर्जन साहब ने इस ब्रह्मांड दे उत्ते कीती है। एक एक बख्श ये सारियां नियामतां महाराज किहदी झोली विच पाउंदे हो? ते जे पाठ याद है ते जरूर कृपा करिया जी। हजूर कहन लगे, गुरु नानक नाम बचन मन सुने। आपां कन्नां नाल सुणदे हां, जिन्नी देर तक कन्ना दे नाल मन एकागर नहीं ना हैगा, उन्नी देर तक कॉन्सनट्रेशन नहीं बनती।
ते मैनू खिमा करिया जी, मनुखी सुभा दा हिस्सा गुरु ग्रंथ साहब कहिंदे ने बनदा ही वह कर्म है जिदे विच तन ते प्लस मन दोवें इनवॉल्व होण, दोवें अंगेज होण। हजूर सच्चे पातशाह जी महाराज ने कृपा की दो मिल कारज उपजै तन ते मन दे सुमेल दे नाल। जदो सुखमणी साहब विच ये बोल गुरु अर्जन साहब दे आपां दोहराए ना, प्रभ की उस्तत करो संत मीत। महाराज किवें करिए हुण इहदे विच दोवें गल्लां गुरु अर्जन साहब ने नखेड़ के कीतियां ने। जिथे आखिया शरीर की सावधानता उत्थे नाल ही एकागर चीत, शरीर की सावधानता भी लोड़ींदी है। ते मैनू खिमा करिया जे, धार्मिक कर्म करन वेले मनुख सब तो अवेसला जापदा है, उन्हू जापदा कि हुण सच्ची मुची मैं धर्म के कर्म विच रुझा होया, जड़ा भी मैनू वेखेगा तो वह समझेगा ये धार्मिक बंदा है। तो धन सतगुरु श्री गुरु नानक साहब पातशाह जी महाराज, जदों नमाज वाली घटना वापरती है कि साढ़े नाल नमाज पढ़ो, तो उन्हां सजना दे अंदर जो कुछ चलता पिया सी, गुरु नानक साहब ने इन बिन फरोल के उन्हां दी सच्चाई उन्हां दे रूबरू कर दिती कि कोई व्यापार करता पिया है, कोई घर दे जीआं दी संभाल करता पिया है। तो सजनों जदों मन इन्नियां थावां दे उत्ते खिंडिया होया है तो फिर निरंजन दे नाल सांझ किवें पवेगी। धन सतगुरु श्री गुरु नानक साहब जपजी साहब दे विच बख्शिश करदे आ, जड़ी प्रेरणा साड़ी झोली विच पाउंदे ने, जिथे हजूर ने आख्या सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनया धर धवल आकाश, सुनया दीप लो पाताल, सुनया पो ना सकै काल। समा भी तेरा कख नहीं बिगाड़ सकेगा जे गुरु के बचना नू मन करके सुन लेगा। गुरु नानक नाम बचन मन सुने, मन करके जदों गुरु के बचना नू सुनेगा। ते गुरु रूप साध संगत हजूर ने जदों मन्ने दी बख्शिश की, साडा अज रहाओ दा बंद है, ऐसा नाम निरंजन देओ। ओ मालक आप माया दे प्रभाव तो निर्लेप है, ये बड़ा स्पष्ट है साध संगत। ओ क्रिएटर है, ओ ओमनी प्रेजेंट है, कण कण दे विच विद्यमान है। ओदे बाबत गुरु ग्रंथ साहब विच जदों भी बोल आए की आया, तुहानू याद है जरूर, कृपा करिया जी, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जदों भी रब की गल गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी महाराज ने की, कमाल की बख्शिश की, सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए। वो निरंकार ना दुनिया में आउंदा, तो हैरानगी की गल है ना इतों जाता है। इनू आप मूल मंत्र दे विच कहने अजूनी है, इतों तक गुरु अर्जन साहब ने बख्शिश की, सो मुख जलो, जलो दे अखरी अर्थ ने सड़ जान, जित कहें ठाकुर जोनी। जड़े कहिंदे ने रब जन्म मरण दे विच है, सच्चाई ये है कि रब इस सारे कासे तो पार है। सिखा तू अपनी सुरत नू टुका के गुरु के बचना नू समझ, संसार ने सूरज नू पानी दिता, मेरे धन सतगुरु श्री गुरु नानक साहब पातशाह जी महाराज कहन लगे दुनिया करे सूरज दी पूजा, सानू कोई दिक्कत नहीं। सिखा तू भी पूजा करेगा, तू भी नाम ध्याएगा, तू भी बंदगी करेगा, तू भी आराधना करेगा, पर किदी जिदे कंट्रोल विच इस तरह के लखां ते करोड़ां सूरज ने। बस एहो गल है जड़ी दृष्टमान विजिबल तो लैके साडी सुरत नू इनविजिबल ए दृष्टमान दे नाल जोड़दी है। ते धन सतगुरु श्री गुरु नानक साहब पातशाह जी महाराज बख्शिश करदे आ इस पौड़ी दे विच जड़ा उपदेश सानू दृढ़ करवाउंदे ने, मन्ने की गत कही ना जाए। गत दे अखरी अर्थ ने उहदा नाप तोल, उहदा हिसाब किताब। जड़ा रब दा प्यारा हो गया है, जिन्हें भी महापुरखां दा इत्थे आपां जिक्र कर लईए, रब दे प्यारियां दा जिक्र कर लईए, भगतां दा जिक्र कर लईए, रब दे नाल जुड़िया होयां दी सिफतो सलाह कर लईए,
भाई गुरदास जी की एक पंजाबी वार मेरे ध्यान दे विच आ गई है। बड़ी छोटी उम्र का बच्चा है, इहदे विच सिख जगत के अहम नुकतियां का भाव पिया होया है। अज वक्त ने जड़ी करवट बदली है ते तेरवां शब्द गुरु अर्जन साहब पातशाह जी महाराज ने इस ब्रह्मांड के उत्ते कृपा कीता है। मांज राग दे विच गुरु अर्जन साहब बारह मां दे सिरलेख थले आपां उस शब्द के भी अखरी अर्थ करने ने, पर पहला इस पौड़ी वल थोड़ा जिहा ध्यान दईए। जिहड़ा पौड़ी दे विच पात्र है उहदे बाबत तुसीं सारिआं ने कई वारी सुनिया होगा, पर मैं सिर्फ पौड़ी पढ़ के जिहड़ा उहदे विच नुकता अहम सिर्फ रब की शोभा वड्याई करन वाले भगत दे अंदर दी अवस्था की है। मालक आप माया दे प्रभाव तो निर्लेप है, जिहड़ा उहदे नाल जुड़ जांदा है उहदे अंदर दी हालत किहो जी बण आउंदी है। पाठ प्रारंभ किया भाई गुरदास जी होरां ने कहन लगे, अपने साथियों दे नाल मित्रां दे नाल खेड़दा होया छोटा जिहा बच्चा है अपने प्यो दे दरबार विच पहुंचिया पुज्जा है ते आ के बड़े मलारां दे नाल चावां दे नाल मां दी बुक्कल विच गोद विच बह गए। इस गल नूं जिहनूं आपां जैलस कहिंदे आं, ईरखा कहिंदे आं, जड़ी राजे दे अंतां दी स्नेह वाली राणी है उहनूं हजम नहीं हुई। सहजे रचियो खालसा हरिंदर सिंह महबूब होरां दी बड़ी गजब दी डूंगी पुस्तक है, बड़ा चित ला के उहनूं पढ़ना पैंदा है। उह कहिंदे ने ध्रुव दे ध्रुव बनन विच मतरेई मां दा होना लाजमी है। उहने सवाल खड़े कीते ने, बच्चे दा मन जागे है, चेटक लगी है। एक कहानी दा दूजा पक्ष है जिन्हों शिद्दत नाल गहराई नाल सानू समझना पवेगा। कहानी लफज मैं सिर्फ तां वरतने आ भी सानू गल समझ दे विच आ जाए। असल है ये जीवन दी सिख्या, असल है जीवन दी सेध। मतरेई मां ईरखा वस हो के करदी की है कि उस बच्चे नू प्यो दी बुक्कल दे विचों उठा लैंदी ते नाल एक गल कहिंदी है, जे इस बुक्कल दा निग मानना सी ते मेरी कुख तो जन्म लैना सी। इहदे च मेरे ख्याल दे विच किसे नू भी कोई शक नहीं हैगा। पहले पहरे रहण के वणदारिया मित्रा हुकम भया गरबास, किन्ने जन्म लैना है, कदों जन्म लैना है, किथे जन्म लैना है, मेरे ख्याल दे विच एक खेड मालक दे अपने कंट्रोल दे विच है, तुहाडे ते मेरे हाथ नहीं। जोर ना जीवन मरण ना जोर, ए स्पष्ट है। किन्ने कदों किथे जमना है, हजूर सच्चे पातशाह जी महाराज अटल सच्चाई संसार दे सन्मुख दसदे ने भी ये खेड मालक दी है, ये मौज मालक दी है। आपां अगे वधीए, हुण ओ नन्ना जिहा बच्चा जदों गोदी विचों उठदा है ते अपनी असली मां नूं जा के सवालां दी झड़ी ला दिंदा है, तू राणी नहीं, जे तू राणी है ते तेनूं ये रिस्पैक्ट ये सत्कार क्यों नहीं मिलदा, उहदी हिम्मत किवें पै गई मैनूं मेरे प्यो दी बुक्कल दे विचों उठाण दी। साध संगत, ढाई मावां संसार दे विच मन्नियां गईआं ने। बाबे फरीद दी मां नूं मुकम्मल मां क्या है, दूर दुरेडे मीडिया दे राहीं ये सुनिया जा रहा है। जिथे जिथे गुरु ग्रंथ साहब दे विच ये बचन आए ने ना कि मां ये तेरी जिम्मेवारी है, ये तेरी रिस्पोंसिबिलिटी है, इहनूं सानूं पॉजिटिव सेंस दे विच समझण दी लोड़ है। जिन हर हिरदे नाम ना बसेओ, ये जिम्मेवारी है मां दी, क्योंकि ये बेनती सुनिया जे ध्यान नाल, संसार दे सारे किते दे नालों ज्यादा जड़ी औलाद है जड़े बच्चे ने ओ सारी दुनिया प्यो दे नालों भी ज्यादा समा 10 महीने वध
अपनी मां दे नाल रहिंदे ने, मां दा निग मानदे ने। जिन्नी देर तक यह गल नूं समाज समझ, मैं फिर माफी मांग के कहन लगा, जिस सोसाइटी दे विच मावां भैणां धीआं जदों ये गुरबाणी की पंक्ति नहीं हैगी, किसी दाने सज्जन ने यह लिखिया ना, जननी जनै ता भगत जन, कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी बांझ रह काहे गवावै। नूर ए रिस्पोंसिबिलिटी है, जिम्मेवारी है, ते ए किसे बंदे वालों नहीं लाई गई। फिर अपना सिर फकर दे नाल उच्चा करिया जे, जदों गुरदेव ए बख्शिश करदे ने, पुता माता की असीस, जे गुरु ग्रंथ साहब ने पुत्र नूं भी असीस देनी है, लफज मां रखे आए, तीन धन जनेंदी माओ, ए वड्याया मां नूं, ओ जन्म देन वाली मां धन है, जिहदी कुख चों ध्रुव वर्गा बच्चा, जिहदी कुख तो बाबे फरीद वर्गा भगत पैदा होया। तीन धन जनेंदी माओ आए सफल से, ते गुरु रूप साध संगत फिर इस नुक्ते वल वापस आईए, जिन्हों मेरे धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी महाराज ने बख्शिश की। भाई गुरदास जी होर ने जड़े अखर वरते ने, कहन लगे ध्रुव हसदा घर आया, कर प्यार प्यो कुछड़ लिता, बाहों पकड़ उठा लिया, मन में रोस मतरेई किया, डडो लिखा हैरानगी दे नाल, जिवें कोई बंदा अंदरों डिस्टर्ब नहीं हो जाता, आपां किसे काम नूं चले आ, इको दम ध्यान खिंड गया। डड्डो लिका मां पुछे, तू सुवाणी है कि सरीता, सुवाणी आ मैं जन्म दी, नाम ना भगती करम दृढ़ीता। मैं फिर इत्थे रोक के एक बेनती करन लगा, सारी दुनिया इस नाराजगी दे विच जिंदगी ज्यों रही है, जे मैं किसे तो पिछे हाँ तो उहदा कारण मैं आप नहीं, कोई दूजा है। जड़ा नाम दा रसी है, वह गलती भी अपनी कढ़दा है, वह समाज कोलों सिखदा भी आप है, ते उहदे प्रेरणा स्रोत भी उस नूं अंदरों हलूणा देंदे ने। भाई गुरु दा विखाया होया राह आई, जड़े राह दा पांधी तू बणिया, ये गुरमत गाड़ी राह नहीं है। पाठ सरवण कर लो, ददा दोष ना देउ किसै, दोष करम्मा आपणिआ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवर जना। बाहरी दुनिया दे विच बंदा सुचेत है, धार्मिक जगत दे विच किसे वेले ठगिआ जांदा है, क्योंकि जो लिबास ते बोल नजर आउंदे ने, जदों किरदार उंदे नेड़े नहीं हुंदा, करैक्टर उभर के सामने आउंदा है, ते फिर मनुख दे पैरां थलों जमीन किस्म खिसक जांदी है, ये बंदा कहिंदा ते कुछ होर सी, निकलिया कुछ होर है। ते ये ते संभावना है ना, गुरु ग्रंथ साहब दे बोल ने, जिन मन होर मुख होर, भी अंदर कुछ होर चलदा पिया। ते मैं तुहानूं सच दसां साध संगत, जे इस वेले तुहाडा ध्यान शब्द विच ना होवे, मेरा ध्यान तुहाडे चरणां विच ना होवे, ते खिमा करिया जे ये भी फिर तुसी संगत उहदी कर रहे जे जिहदे नाल तुहाडा ध्यान लगा होया है। जे शब्द नाल सतसंग दा मतलब ही यह है भी तू बैठा जिथे मर्जी जिस मर्जी हालत विच, पर तेरे अंदर की चलदा पिया है। वापस आ जाइए, ध्रुव हसदा घर आया, कर प्यार प्यो कुछड़ लिता, बाहों पकड़ उठा लिया, मन विच रोस मतरेई कीता, डड्डो लिखा मां पुछे, तू सुवाणी है कि सरीता, सुवाणी आ मैं जन्म दी। सा संगत जड़ा जवाब सी उस मां दा, पुत्तर ये जड़ा समाज दे विच वखरेवा है ना, ते जड़ी रिस्पैक्ट ते इज्जत है, जे ओ प्राप्त करनी है, नाम ना भगती करम दृढ़ीता, मेरी ओनी बंदगी, मेरा ओना सिमरन, मैं ओना नाम नहीं जपिया कि जड़ा सत्कार दूजी राणी नूं मिलदा वो मेरे हिस्से आ सके, ते ओ सारे सवालां दा जवाब उस पुत्तर नूं मिल गया। अज दी मां हुंदी, बस इन्नी गल ध्यान ला के सुन लो,
ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਪੁੱਤ ਵੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਏ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਤੂੰ ਬਹਿਣਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ, ਵੇਖੀਏ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਮਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਪੁੱਤ ਨਾਮ ਜਪ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਏ, ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੜਫਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਚੌਕਲੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਟੋਫੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਨੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਪਾਪੜ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੇਲੀਏ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਪਾਪੜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੇਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਵਨ ਪੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਾ, ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵੀ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਣਾਵਟੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਗਈ ਜੇ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਉੱਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵਨ ਮੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਜੇਦੂ ਹੋਈਐ, ਪਤਤ ਪੁਨੀਤਾ ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨ ਤਪ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਅਮਿਓ ਰਸ ਪੀਤਾ। ਮਨ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਪਿਓ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਵੇ ਆ ਜਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਤੂੰ ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਬੜੇ ਗਜਬ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਜਾਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਜੇ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਪੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨ ਤਪ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਅਮਿਓ ਰਸ ਪੀਤਾ, ਹਾਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੌੜੀ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗੱਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ, ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾਬੈ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ, ਹਉ ਜਾਚਕ ਤੂੰ ਅਲੱਖ ਅਭਿਓ। ਹੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। 13ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, 12ਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਰਾਖੀਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।